तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे 20 के दांत चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बताए थे कि इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोग ये पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, श्रम विभाजन, और एक चैप्टर जो है हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अम्बेडकर का है, ये पूरा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। और ये भी क्वेश्चन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2023 का जो भी फर्स्ट सिटिंग में आया है, देखिए FS लिखा है, फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आया है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन प्लस सेकेंड सिटिंग का भी क्वेश्चन जो आया है, हम इसको मर्ज करके और लाए हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए 22 में भी जो पूछा है, 23 में जो पूछा है, वो सब क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं, देख रहे हैं 23 में, है ना। तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, है ना, 2024 को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली का डेली कंटेंट मिलते जाएगा आप लोग को इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं, देखिए यहाँ पे मिलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम शुरू से दोस्तों। एक नंबर, कौन सा है 20 के दांत और इसके लेखक का नाम भी पूछता है, तो लेखक का नाम कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत एवं अन्य कहानी से लिया गया है, जो देखिए यहाँ पे हम लोग का 2023 में पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या है, तो माता का नाम जो है इनका है बी नंबर ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा, रत्नावती, है ना, रत्नावती शर्मा है दोस्तों। लास्ट में हम लोग एक बार समराइज भी करेंगे एकदम सिंपल वे में, जो मेन मेन क्वेश्चन होगा इसको समराइज भी करेंगे कि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेन साहब की लड़की कैसी थी, तो यह एक सुशील लड़की थी। किस प्रकार की लड़की थी? सुशील लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदन किसका बेटा था, तो मदन जो है गिरधर का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर का। मदन जो है किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो ये जो है कथन जो है 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, सेन साहब का कहना था, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, है ना, किसका था? सेन साहब का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ठीक है, यानी बराबर वो क्या खाता रहता था? मार खाता रहता था, इसलिए मामूली बात हो गई थी कि वो बराबर मार खाता रहता था। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि 20 के दांत के लेखक कौन है, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो ये है कौन, तो नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए क्वेश्चन आ गया है ना, ये 2020 में भी पूछा था, 12 में भी पूछा है, कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसलिए बढ़िया से इसको याद करिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग का ये चलता रहेगा, है ना, और एक बार लास्ट में हम लोग दोस्तों समराइज भी कर देंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट इसमें का क्वेश्चन होगा इसको समराइज भी कर देंगे कि आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली का डेली इस पर मिलते जा रहा है क्वेश्चन आप लोग को, और एक नया पैटर्न का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए डाल के यहाँ पे ला रहे हैं कि आसानी से आप लोग इसको याद करिएगा कि याद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है, तो 20 के दांत है, ठीक है, 20 के दांत है। मछली किसका है? तो मछली लेखक जो है विनोद है। मछली के लेखक कौन है? विनोद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहने थी, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, है ना, खोखा की बहने थी, यानी सेन साहब की लड़की थी, है ना, ये सब सेन साहब की लड़की थी, और की बहन किसकी थी? तो खोखा की बहन थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब को खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो ये अभी नेता नहीं, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कितना ईस्वी में हुआ था, ये हमारे लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनका जन्म जो है कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कितना में? 1916 ईस्वी में। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, खोखा के दांत जो है किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़ दिया था। मदन एक मार खाने वाला लड़का था, मार बराबर खाता रहता था और इधर से उधर मार करता रहता था, इसलिए मदन जो था ही वही जो है खोखा का दांत तोड़ दिया था। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, मतलब क्या है, कहानी है कि निबंध है कि क्या है, तो वो एक प्रकार का कहानी है, ठीक है, कहानी है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो सेन साहब की कार की कीमत जो है हम लोग का 7,50,000 थी, 7,50,000 उस समय 7,50,000 काफ़ी हुआ करता था दोस्तों, जिस तरह हम लोग का लाख में बात करते हैं ना अभी, उस तरह वहाँ भी पहले मतलब हज़ार जो है लाख लाख में मानिए बात होता था, ठीक है, हज़ार को लाख हम लोग समझते थे उस समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि सेन साहब के आँखों का तारा कौन था,
सेन साहब की आंखों का तारा जो है खोखा था, उसका पुत्र था खोखा, तो इसलिए आंखों का तारा उसका कौन था, उसका पुत्र था आंखों का तारा। और उसकी सेन साहब की कितना पांच बहनें थी है ना, और एक ही वो मदन जो है उनका दांत तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को कोई खतरा हो सकता, मोटर को कोई खतरा हो सकता तो डैश से हो सकता है ना, तो किससे हो सकता था, तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, खोखा से ही हो सकता था, क्योंकि खोखा इंजीनियर बनना चाहता था, मन कर देगा कभी नोट बोल्ट खोल देगा है ना, इसीलिए एक मोटर को जो है जो गाड़ी खरीदे थे 7,000-7,500 में है ना, तो उनको इसी से डर था कि यही जो है जाके क्या करेगा मोटर का कोई नोट बोल्ट खोल देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सेन साहब को यही डर था। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, नई मोटर कार जो थी सेन साहब की कितने की थी, तो ये 7,500 की थी, कितने 7,500 की थी। फिर कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था है ना, तो 18 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर है ना, 18 का बी नंबर खोखा के अनुसार जो है ना सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था है ना, 18 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 19 नंबर हम लोग का कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो ये कहानी ये जो है कहा है 19 नंबर का दोस्तों, 19 नंबर का सी हो जाएगा सेन साहब ने कहा था, किसको कहा था, तो मदन को कहा होगा ठीक है, किसको कहा था, तो मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के जो है गुंडे चोर डाकू यही सब बनते हैं, अपने बेटा को इंजीनियर बना रहे थे सेन साहब है ना, तो ऐसा क्वेश्चन है, दूसरे कोई लड़का को पसंद नहीं करते हैं कोई, अपना लड़का बहुत प्यारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, 20 के दांत जो है ना किस तरह के मानसिकता को उजागर करते हैं, तो 20 के सी नंबर मध्यम वर्ग के है ना, मध्य वर्ग के जो है ये जो है मानसिकता को उजागर करते हैं। फिर कह रहा है 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत जो है हम लोग का 21 नंबर का डी हो जाएगा, ये मनोवैज्ञानिक है ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, यानी मन का जो भी भावना है ना इसका डी नंबर हो जाएगा, मन का जो भी भावना है उसके अनुसार ये होता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों है ना, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है हुआ था पटना में हुआ था ठीक है, अपने पटना के ही रहने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम जो है हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये रामावतार शर्मा था, क्या था, रामावतार शर्मा था। खोखा किसको कहते हैं, तो 24 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 24 का सी नंबर कासू को कहते हैं, कासू को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब का मित्र क्या था, तो सेन साहब का मित्र जो थे कौन थे, तो सेन साहब के मित्र जो है एक पत्रकार थे, कौन सा थे, पत्रकार थे, और पत्रकार साहब से ही बराबर अपने लड़का का बड़ाई करते रहते थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल जो है 26 का बी नंबर हो जाएगा, मदन के पिता थे, मदन के पिता गिरधर लाल थे, और गिरधर लाल बराबर मार खाता रहता था, और गिरधर और मदन ने ही क्या किया था कि इसका खोखा का दांत तोड़ दिया था है ना मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि सेन साहब के बेटे यानी खोखा का क्या नाम था, खोखा का नाम जो है 27 नंबर का कासू था, है ना ए नंबर कासू था, लेकिन खोखा प्यार से कहते थे लोग। फिर कह रहे हैं मदन की उम्र क्या थी, तो मदन का उम्र जो था वो 5-6 साल का था, मदन कितने साल का था, 5-6 साल का लिए, और उसका आम बात क्या था, पिटाना उसका आम बात रह गया था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का नलिन विलोचन शर्मा के बारे में, नलिन विलोचन शर्मा का बोली बात की, नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कब हुआ, उनका जन्म जो है 1916 में हुआ था, और प्लस वो कहाँ के थे, तो पटना के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, स्कूल की पढ़ाई जो है उनका कहाँ हुआ था, इसके बारे में फिर हम लोग को पता करना है, तो इसके लिए जो पटना कॉलेजेट स्कूल में हुआ था, यानी डी नंबर पटना कॉलेजेट स्कूल में हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का पढ़ाई जो है वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, दांत तोड़े थे मदन नहीं लेकिन कई वो दांत तोड़े थे, इसको भी बताना है हम लोग का, तो 30 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 2 दांत तोड़ दिया था मदन ने कासू का, यानी खोखा का, कासू का नाम क्या था, खोखा का नाम क्या था, कासू है ना, कासू का कई दांत तोड़ दिया था और मदन ने 2 दांत तोड़ दिया था। फिर सेन साहब की कार को किससे खतरा हुआ था, उसको डर लगता था सेन साहब के नट बोल्ट कौन खोल देगा, तो उसी का बेटा ही खोल देता था है ना खोखा, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहते थे, तो वही डर था कि
खोल के यहीं पे इंजीनियर नहीं बन जाए, है ना। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, है ना। तो 32 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, काली कलर का था, काला, है ना, काला कलर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियाँ थी, तो सेन साहब की बेटियाँ जो है 5 बेटी थी, तब जाके खोखा जो है खोखा का जन्म हुआ, इसीलिए क्या करते थे सेन साहब जो उसे बहुत प्यार करते थे और सोचते थे कि इसको ही हम क्या करेंगे, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, है ना। फिर कह रहा है कि लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ है, किसे इस बात पर गर्व है, है ना, किसे इस बात पर गर्व है। 34 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, माता पिता को गर्व होता है, इस पर गौरव है या गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मैंने बराबर पिटाता रहता, तो 35 का हो जाएगा डी, पिता के हाथों से क्या कराता था, पिटाता रहता था, पिता के हाथ से उसके पिता जो है उसको पीटते रहते थे। नरेंद्र बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो है कब हो गया था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था, 1916 में जन्म और 1961 में मृत्यु। कहाँ जन्म हुआ था, तो पटना में हुआ था, और पटना कॉलेजिएट स्कूल में जो है उनका शिक्षा उक्षा का मतलब पढ़े थे, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम समराइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, हम पहले बता देते हैं उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भारत से हमने क्या सीखा, मैक्स मूलर इसके लेखक हैं, कौन है, मैक्स मूलर इसके लेखक हैं, भारत से हमने क्या सीखा। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आप लोग को समराइज कर देते हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल पर रहिएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रॉफिट भी होने वाला है दोस्तों, कि बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग यूँ ही सिंपल वे में समझ लेंगे और याद भी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए सबसे पहले नलिन बिजुलेश्वर शर्मा के बारे में समझते हैं कि नलिन बिजुलेश्वर शर्मा का एक बीस के दांत जो है लेखक इसे कौन है, तो नरेंद्र बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, है ना, 1916 में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 1961 में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। और कहाँ से ये शिक्षा ग्रहण किए थे, तो ये पटना कॉलेज स्कूल से शिक्षा ग्रहण किए थे। मदन जो है किसका लड़का था, तो मदन जो है गिरधर का लड़का था। मदन किसका लड़का था, तो गिरधर का लड़का था। ये बराबर किसके हाथों से पिटाता रहता था, तो गिरधर के हाथों से, यानी अपने पिता के हाथों से ही पिटाता रहता था। और मार खाना इसका आम बात हो गया था, है ना। किसने खोखा का किसने दांत तोड़ा था, तो मदन ने ही तोड़ा था। कितने दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ा था, है ना। कितने दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ा था। उसके बाद 2 दांत तोड़ा था। उसके बाद खोखा की बहनें कितनी थी, तो खोखा की 5 बहनें थी, है ना। उसके बाद छठा खोखा का जन्म हुआ। खोखा को सेन साहब के लड़के का नाम क्या था, तो खोखा। और खोखा का और क्या नाम था, तो खोखा का नाम जो था किसू था, ये क्या था नाम उनका, कासू था। क्या नाम था, कासू, है ना, कासू नाम था, है ना। एकदम सिंपल वे में ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम एक बार समराइज कर देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और ये 20 के दांत जो है एक प्रकार का क्या है, तो 20 के दांत जो है एक प्रकार का कहानी है। और किस कहानी पर है तो कहने का मतलब कि ये कहानी जो है मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मन के हिसाब से चलना रहता है। ये सेन साहब के कार का कीमत कितना था, तो 7,500 था। कलर गाड़ी का कलर कौन सा था, तो गाड़ी का कलर जो था काला कलर का था, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम बहुत सारा, उसके बाद सेन साहब का मित्र जो किस प्रकार कौन पैसा करते थे, तो वो एक पत्रकार थे, है ना। वो क्या था, तो एक प्रकार का एक मतलब ये पत्रकार थे, है ना। मदन का उम्र कितना था, तो 5-6 साल था। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर क्वेश्चन था इसको हम एक बार समराइज कर दिए, आसानी से हमको विश्वास है कि आप लोग को आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग भारत से हमने क्या सीखा जो मैक्स मूलर इसके लेखक हैं, है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये बता देंगे। एक बार दोस्तों ऐसे ही पढ़ा देंगे ना, तो आप लोग को पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।